क्रिकेट का दोपहर है, पूरा बहुत हार्ड धूप है और जिसके में हम लोग भी परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है पशु पक्षी भी परेशानी है। उनको बहुत सारा तालाब है, कुआं है, सब कुछ सूख चुका है, तो उनको पानी के लिए और खाने के लिए हमने व्यवस्था किया है। जैसे जो टीन का बॉक्स होता है उसको चारों तरफ कट कट करके और उसमें दाना। कैमूर जिले में पिछले कुछ दिनों से 44-45 डिग्री तापमान रह रहा है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में पंछियों के प्रति स्नेह दिखाने का काम कैमूर जिले के युवा आर्टिस्ट अमरीश पुरी ने किया है, जहां वह अपने गांव के पेड़ पर टीन का डब्बा बनाकर उसमें पंछियों के पीने के लिए पानी, उसको खाने के लिए अनाज की व्यवस्था की है। इस भीषण गर्मी में उन बेजुबान पक्षियों को दाना के लिए और पानी के लिए भटकना ना पड़े, इसके साथ ही वह आम लोगों से अपील भी किए हैं कि इस गर्मी में लोगों को जागरूक हो जाएं, जो पंछियों को खाने पीने की परेशानी नहीं होगी। अमरीश पुरी ने जानकारी देते हुए बताया, विगत 3 वर्षों से लगातार पक्षियों के लिए पानी पीने व खाने की पालना की व्यवस्था किया जा रहा है। इस बार भी कुछ इसी तरह से लगभग दर्जनों टीन के बॉक्स को काट कर पालना बनाया गया है। इस पालने में लगभग 5 लीटर पानी स्टॉक हो सकता है, साथ में लगभग 500 ग्राम अनाज भी रखा जा सकता है, जिससे भूखी प्यासी पक्षियों अपनी भूख प्यास अनाज तथा पानी ग्रहण कर मिटा सकती है। पालने में कुछ खास बातों का भी ध्यान रखकर बनाया गया है। इस सीजन के बाद आने वाले ऋतु में अपना घोंसला बनाकर भी वह रह सकती हैं। बता दें कि कलाकृति मंच के संस्थापक व राष्ट्रीय कला मंच के प्रांत संयोजक अमरीश पुरी के द्वारा इस कार्य को किया गया है। अमरीश आए दिन सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेते रहते हैं तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य करते रहते हैं। अभी देखिए, जैसे कि जेठ का दोपहर है, पूरा बहुत हार्ड धूप है और जिसके में हम लोग भी परेशान हैं, तो जाहिर सी बात है पशु पक्षी भी परेशानी है। उनको बहुत सारा तालाब है, कुआं है, सब कुछ सूख चुका है, तो उनको पानी के लिए और खाने के लिए हमने व्यवस्था किया। जैसे जो टीन का बॉक्स होता है उसको चारों तरफ कट कट करके और उसमें दाना और बीच सेंटर में जो है 5 लीटर लगभग पानी स्टॉक हो सकता है, वैसा मैंने पालना तैयार किया है। और अपने पैतृक गांव मझियाओं में जो है मैं पेड़ पे और छतों पे अपने जो है पूरी तरीके से मैं वहाँ लगभग दर्जनों पालना बनाया है उन लोगों के लिए, और वो मैं उनके व्यवस्था किया हूँ उनका पानी पीने के लिए। कितने सालों से ऐसा करते हैं? ये हम लगभग पिछले 3 साल से कर रहे हैं। अभी मकसद क्या है इसका? मकसद ऐसा मेरा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल या फिर ऐसा कुछ नहीं है मेरा, बस सामाजिक स्तर से हम काम करते हैं। जैसा कि मेरा एक संस्था भी कलाकृति मंच, जिसके माध्यम से हम आए दिन बिहार सरकार का हो या भारत सरकार की मुहिम हो, उनको एक अपने आर्ट वर्क के माध्यम से हम अवेयरनेस करते रहते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे अगर हम करते हैं तो लोग भी जानेंगे, और लोग जानने के बाद ऐसे अगर पहल वो भी करें तो पशु पक्षी भी शायद हमारे संरक्षण, जैसे गौरैया है लुप्त होते जा रही है, बहुत सारे पक्षी लुप्त होते जाते हैं, कहीं ना कहीं एक ये भी वजह है। तो अगर ऐसा करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा और उनके बचाव के लिए भी कुछ अच्छा पहल होगा। भीषण गर्मी में आप चाहते हैं कि और लोग भी आ गए हैं पशु पक्षी? बिल्कुल क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मतलब जो हम काम किए हैं, अगर लोग इस तरीके से कुछ अगर अपने एक एक घर में से बस पालना बनाएं और अपने छत पे रखें, तो काफ़ी सारे पक्षी जो है अपना प्यास बुझा सकती हैं, और वो जो पानी बिना तड़प के मर रही हैं वो नहीं होगा ऐसा। अमरीश तिवारी नाम। अभी तक आप कितने वैसे पालना बनाए हैं? अभी हम हर साल लगभग दर्जन पालना बनाते हैं और दर्जनों पालना हम लगाते हैं। तो पिछले 3 साल से हमने काम किया है इस पे, और तीनों साल दर्जन, इस बार भी मैं दर्जन भर पालना बनाया हूँ और अपने छत पे, गांव के छत पे और पेड़ों पे मैंने बांधा है। लोगों का क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? लोगों प्रतिक्रिया क्या है ऐसा कुछ समझ में तो नहीं आता मेरे को, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं वो ज़रूर कहते हैं नहीं ठीक है, अच्छा है। लेकिन मेरा आग्रह ये होगा कि मेरे को प्रोत्साहन तो कर ही रहे, वो तो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये पहल उनको भी करनी चाहिए, और वो करेंगे तो काफ़ी बेहतर होगा और उनके सुरक्षा के लिए भी, और उनके जो है हम लोग बचा भी सकते हैं जो पानी से तड़प के मर रही हैं पक्षियाँ। क्या नाम है? अमरीश नाम हुआ मेरा। अवेयरनेस के लिए प्रतियोगिता कराते हैं, चाहे प्लास्टिक मुक्त भारत हो, पर्यावरण संरक्षण हो, पशु पक्षियों के बचाव के लिए हो, या फिर बिहार सरकार तथा भारत सरकार की कोई भी मुहिम हो, उसे अपनी कला के द्वारा जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। अमरीश की इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में 2 बार नाम दर्ज हो चुका है। खुलासा के लिए कैमूर से मुकुल जी की यह रिपोर्ट।